आइए आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सर्दियों के दिन में बाजरा खाना क्यों जरूरी है। जी हाँ, सर्दियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में बाजरे का सेवन जरूर करना चाहिए। सभी को ऐसा क्यों कह रहे हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। सर्दी के दिनों में बाजरा का सेवन शरीर में अंदरूनी गर्माहट बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग ठंडी के मौसम में बाजरे की रोटी या फिर अन्य व्यंजन खाना पसंद करते हैं और खाना चाहिए। बाजरा कैल्शियम से भरपूर होता है और आप किसी भी कैल्शियम विकल्प की जगह पर इसका सेवन कर सकते हैं। इन दिनों में होने वाली जोड़ों की समस्या और ऑस्टियोपोरोसिस में यह बेहद लाभकारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की कमजोर होने की एक स्थिति है जिसमें हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं, जिसका भी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, जिसकी बॉडी में उसके दांत और हड्डियां तुरंत टूटने लग जाते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि वो बाजरे का सेवन करें, खास करके सर्दियों में करेंगे तो हजम इजली होता है, यानी कि डाइजेस्ट इजली होता है, जो कि आपको फायदा पहुंचाता है। क्योंकि सर्दी में भूख अधिक लगती है और आप इन दिनों में कई तरह के व्यंजन बना करके ज्यादातर खाते भी हैं, तो वजन बढ़ना आपका लाजमी है, लेकिन बाजरा का प्रयोग करेंगे तो वजन आपका कम होगा, यानी कि आपके बॉडी को पोषण भरपूर मिलेगा, लेकिन आपके बॉडी में एक फायदा ये होगा कि वेट नहीं बढ़ेगा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग होंगे आप अंदर से, क्योंकि इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये पेट को सही ढंग से क्लीन करता है। इसमें भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है जो पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है और लाभकारी है, और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ये कंट्रोल करता है, जिससे कि मोटापा कम करने में मदद मिलती है और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा बाजरे में ट्राइप्टोफेन अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि भूख को कम करता है। इसका सेवन सुबह के नाश्ते में अगर आप कर लेते हैं तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, इसलिए भी आपके वजन को ये कंट्रोल करता है। अगर आप फूडी हैं, आपको बार बार भूख लगती है और इसकी वजह से आपका वजन बढ़ता चला जाता है, तो आपको बाजरे का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो ये भूख आपकी कंट्रोल करता है, यानी कि पेट आपका देर तक भरा रखता है, इस वजह से आपको परेशानी नहीं होती है। अगर आपको कहीं बाहर जाना होता है तो बाजरे की रोटी खा करके जाइए, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लंबे समय तक के लिए थोड़ा घर से जाते हैं, सुबह से जाते हैं और आसार नहीं होते हैं कि बाहर खाना मिलेगा, घर पर आकर के ही खाना होता है, तो ऐसे में बाजरे की रोटी बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये देर से थोड़ा हजम भी होता है, तो इसीलिए इसका सेवन सर्दियों के दिनों में जरूर करें, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ये आज की वीडियो रही। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपका ये एक छोटा सा प्रयास लाइक शेयर एंड कमेंट का बहुत सारे लोगों को लाभान्वित कर सकता है। आपका कुछ सेकेंड लगता है बस लाइक शेयर एंड कमेंट करने में, लेकिन बहुत से हमारे भाई बंधु माताएं बहने हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ आपका कमेंट हमें इंस्पायर करता है कि आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आते रहें, इसलिए भी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, इतना ही इस एपिसोड में, नए एपिसोड में नई बात। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।